مؤمنا بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي صرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي ويدعوني ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आकिर आपके साथ बैरिया टाउन कराची से और ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत स्ट्रीट के ऊपर बैरिया टाउन कराची की मेन जिना के करीब चिरपी पार्क के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब और हाइटेड लोकेशन के ऊपर इस समय मौजूद है। बैरिया टाउन कराची अली ब्लॉक जो बहुत ही फेमस ब्लॉक है, सब लोगों को मालूम है। पूरे बैरिया टाउन के अंदर 125 गज के जितने खूबसूरत और शानदार विलाएं वो सारे अली ब्लॉक में बने हुए हैं और आज मैं आपको दिखाने आया हूँ, उसका रिव्यू कराने आया हूँ। 125 स्क्वायर यार्ड का नेक्स्ट कॉर्नर विला और बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ है। आज इसका आपको रिव्यू और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है। आपने जुड़े रहना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है ताकि आपके पास बैरिया टाउन कराची से और अच्छी अच्छी मुफीद इन्फॉर्मेशन विलास के हवाले से आपके साथ आती रहे। तो चलें चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए ये आपको खूबसूरत विला विजिट कराते हैं। चलें चलते हैं, आपको अंदर से इसका विजिट कराता हूँ। खूबसूरत विला आपको आज इंशाल्लाह रिव्यू कराने वाला हूँ। और ये हम दाखिल हो चुके हैं मेन गेट से अंदर। ये कार पोर्च का एरिया आप देख सकते हैं, खूबसूरत एक अच्छा डिसेंट सा आपकी एक गाड़ी आराम से पार्क हो जाती है और आप देख सकते हैं दीवार को भी, छत को भी और खूबसूरत ये छोटी छोटी चीज़ें थी आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ये आपके पास एक बड़ा स्पेस आपको मिलता है, ग्रीनरी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। खूबसूरत एलिवेशन आप चेक करें, खूबसूरत एलिवेशन और यहाँ पर भी देखें अच्छी खूबसूरत सी डिसेंट सी लाइट्स लगी हुई हैं। और ये जैसे हम आते हैं मेन अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर, देखें खूबसूरत दरवाज़ा बेहतरीन किस्म का बना हुआ है, आप देख सकते हैं खूबसूरत दरवाजा। ये आप देखें माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और अच्छे लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं और जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर खूबसूरत सा फ्लोर आपको वेलकम करता है कॉमन का। और जैसे हम अंदर आते हैं तुम्हारे लेफ्ट में इमीडिएट आपको पाउडर वॉशरूम मिलता है, ये आप देख सकते हैं पाउडर वॉशरूम। और इसके अंदर भी जो दरवाज़ा है वॉशरूम का वो भी खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत दरवाजा माशाल्लाह से। और ये देखें आप ऊपर की फॉल सीलिंग देखें, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके घर की खूबसूरती को एनहेंस करती हैं और घर की वैल्यू को बढ़ाती हैं। और ये मीडिया वाला आप देख सकते हैं कॉमन के अंदर कितना ज़बरदस्त वुड का काम हुआ है, ये आपके शेल्फ बनी है, आप यहाँ पर अपनी किताबें और ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। और ये नीचे आपको LCD रखने के लिए और ये दो ड्रॉर भी हैं साथ में, यहाँ पर भी वुड का काम है और ये पीछे बैक के ऊपर भी आपको अच्छा एक डिज़ाइन ड्राइंग का काम मिलता है। इसी तरह आप राइट पे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं राइट के अंदर आपको ये ड्राइंग रूम के अंदर भी एक डिसेंट सा काम आपको मिलता है वॉल के ऊपर और ये वुड का काम हुआ है सेपरेशन के लिए और खूबसूरती भी मेंटेन रहेगी और पार्टीशन भी बना रहेगा। और ये साथ ही आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ये सेपरेट डोर है जो अगर आप अपने गेस्ट को यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं ताकि आपके घर की प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये सेपरेट एंट्रेंस है ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आते हैं कितनी खूबसूरत लाइट्स इसके अंदर लगी हुई है। व्यूअर जी आज की जो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और ये विला बहुत खूबसूरत और शानदार बना हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं, अमूमन आपने ऐसे किचन नहीं देखे होंगे जैसे आज किचन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये किचन आप देख सकते हैं, ये ग्लास विंडो पूरी आपको मिलती है, साथ ही ग्लास डोर आपको मिलता है किचन के अंदर जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन ड्राइंग किया हुआ। और ये देखें आपको यहाँ सारी कबर्ड्स मिलती हैं, यहाँ पर आप एडिशनल
चूल्हा एक और भी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना फ्रिज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो प्रॉपर आपको किचन की चीज़ें मिलती हैं ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा लगा हुआ है, सिंक आपका मेंटेन है, सारे ड्रॉअर आप देख सकते हैं नीचे खूबसूरत, और ऊपर आपको ऊपर भी आपको ज़बरदस्ती से ये कैबिनेट्स दे सकते हैं अच्छी माशाल्लाह से, एक अच्छा बड़ा साइज आपको मिलता है ये आप देख सकते हैं, साफ सुथरा और खूबसूरत किस्म का इसके अंदर काम हुआ है किचन के अंदर। और दरवाजे जैसे मैंने आपसे कहा दरवाजे सारे ही के सारे उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बनाए हैं। और ये साथ ही आपको वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग एरिया एक बड़ा आपको साइज वॉशिंग एरिया का मिलता है 125 स्क्वायर यार्ड्स के विला के अंदर। और चलते हैं आपको इसका बेडरूम नीचे का विजिट कराता हूँ जो आपको इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक अच्छा डिसेंट फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी हुई है और यहाँ ऊपर भी छत पे भी अच्छा काम हुआ है। और ये हम इस टाइम आ चुके हैं इसके बेडरूम में, बेडरूम आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक अच्छा डिसेंट सा ऊपर भी सीलिंग का काम हुआ है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर यहाँ दरवाज़ा भी आप देखें वही दरवाज़ा जैसे मैं आपको कहता मैंने इंटरेस्ट लगा वही बिल्कुल उसी तरह खूबसूरत दरवाज़ा। और ये इसके अंदर आपको देखें माशाल्लाह से कबर्ड्स मिलती हैं, अब देखें ये कबर्ड्स हैं इसके अंदर, बड़ा अच्छा स्पेस आपको मिलता है कबर्ड्स के अंदर। और इसका ये अटैच बाथ आप देख सकते हैं, अच्छा डिसेंट सा साइज है अटैच बाथ का। व्यूअर्स चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर का आपको विजिट कराता हूँ। और ऊपर फ्लोर पे जाने से पहले आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म की स्टेयर्स और साथ ही वुड का काम रिलिंग का हुआ हुआ है, ये वुड का काम जो रिलिंग का हुआ है देखें। चलें चलते हैं व्यूअर्स ऊपर वाले फ्लोर का आपको विजिट कराता हूँ, आप देख सकते हैं खूबसूरत स्टेयर्स और कलर भी इसका बड़ा डिसेंट है। अमूमन लोग ब्लैक कलर करते हैं स्टेयर्स के ऊपर, इन्होंने डिफरेंट कलर की थीम अपनाई है जो कि वुड से मेंटेन करती हुई। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत आपको ऊपर के फ्लोर पे एक वॉल के ऊपर काम हुआ मिलता है ग्लास वर्क, और देखिए माशाल्लाह से बड़ा एक साइज आपको ऊपर कॉमन एरिया का मिलता है ये माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप कॉमन एरिया, इसके अंदर भी मीडिया वॉल मेंटेन है बाकायदा, आपको कुछ नहीं करना आपने आना है और आपके आके कनेक्ट करना है और यूज़ करना है। और इसी के साथ ये आपको ऊपर जीने के लिए यह स्पेस दिया हुआ है ताकि आप ऊपर छत पर जाने के लिए स्पेस आपको मिलता है। माशाल्लाह से खूबसूरत काम हुआ इस विला के अंदर। और चलें चलते हैं इसके बेडरूम का मैं आपको विजिट कराता हूँ, बेडरूम में भी आप देख सकते हैं अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा साइज आपको मिलता है। और इसके साथ इसका अटैच बाथ आप चेक करें, डिसेंट सा अटैच बाथ आपको इसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर बेडरूम में आपको जो है मैं दिखाऊं बिल्कुल सेम डिज़ाइन ड्राइंग की जैसे अभी आपने कबर्ड्स देखी है नीचे के फ्लोर पे बेडरूम में, इसी तरह यहाँ पर भी आपको कबर्ड्स मिलती हैं, एक बड़ा अच्छा साइज आपको स्टोरेज का यहाँ मिलता है। और व्यूअर्स ये इसका स्टोर है ये आप देख सकते हैं, अमूमन 125 में लोग स्टोर नहीं देते मगर इसके अंदर स्टोर आपको दिया हुआ है। और इसी के साथ इसका ये दूसरा बेडरूम ऊपर के फ्लोर का, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर अच्छा सीलिंग का खूबसूरत सा सिंपल सा काम हुआ है। और इसके अंदर भी वार्डरोब्स आपको मिलती है वही साइज है जो कि आपको दूसरे बेडरूम में मिलती है, यानी कंजूसी कोई नहीं है, पूरी पूरी कंप्लीट आपको वार्डरोब्स दी हुई है और अच्छे साइज की दी हुई है। और इसी के साथ इसका यह अटैच बाथ आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत सा डिसेंट सा साइज आपको अटैच बाथ का मिलता है। और इस विला के अंदर खूबसूरती है कि इसके अंदर आपको दो किचन मिलते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। चलें दूसरा किचन भी आपको विजिट कराता हूँ, ये इसका दूसरा किचन है ये देख सकते हैं आप ऊपर के फ्लोर का, यहाँ पर भी आपको कबर्ड्स ऊपर भी है नीचे भी है और प्रॉपर किचन का जो चूल्हा है सिंक वो सब इंस्टॉल्ड है। और चलें चलते हैं इसके टेरेस की तरफ, टेरेस से आपका इसका व्यू कराता हूँ। और ये विला बहुत ही खूबसूरत और नहायत ही नफीस और अच्छा काम हुआ इसमें, आप देख सकते हैं मैं अगेन कहूँगा दरवाजे आप चेक करें, दरवाज़ों का हर जगह पर दरवाजे आपको बिल्कुल क्वालिटी वाले मिलते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके अंदर। और व्यूअर्स आज की वीडियो बड़ी
खूबसूरत थी, मुझे भी अच्छा लगा यह विला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विला यकीनन पसंद आएगा। और आपको मैं इसका व्यू कराता हूँ यहाँ से बाहर का, तो आप देखेंगे ये सामने मेन जिना एवेन्यू है। आपको देखें मेन जिना एवेन्यू कितना खूबसूरत और शानदार आज मौसम है बेरे टाउन कराची में अली ब्लॉक के अंदर। तो व्यूअर्स आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो इसकी डिमांड है उसके लिए प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा ताकि मेरे पास आप लोगों की कॉल आएगी ताकि मुझे भी थोड़ी सी जो है ना हौसला होगा, मैं आपके साथ और मज़ीद अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बेरे टाउन कराची से आपके साथ शेयर करता रहूँ। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।